लखनऊ स्थित पुराने हाईकोर्ट परिसर में पेशी के लिए आए कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को फिल्मी अंदाज में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस दौरान कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी आई थी। घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालिया तस्वीर अयोध्या से सामने आई है, जहां पुलिस अलर्ट मोड में है। अयोध्या कोर्ट परिसर में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। अयोध्या के एडिशनल एसपी मधुबन कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। जनपद अयोध्या में न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और कल जो घटना घटित हुई है उसके क्रम में आज सुरक्षा व्यवस्था का COCT, COLIU और जो CFO साहब हैं इनके नेतृत्व में टीम का गठन करके जायजा लिया गया है। कुल यहां 70 कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियुक्त हैं, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल हैं और कांस्टेबल हैं, लेडी कांस्टेबल हैं। इसके अलावा PRD और होमगार्ड के जवान हैं। न्यायालय परिसर में 6 गेट हैं आने के लिए, जिसमें गेट नंबर 1 जो है वो न्यायालय के जो अधिकारी हैं उनके आने के लिए है। 2 नंबर गेट बंद रहता है। इसके अलावा 3-4 जो है इससे विद्वान अधिवक्तागण और बातकारी, और 5 और 6 नंबर गेट है जो कलेक्ट्रेट का गेट है, वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग करने के बाद ही जो न्यायालय परिसर में आ रहे हैं उनको आने दिया जाता है।